नमस्कार मैं राजश्री पाकिस्तान उत्तेजना गृहजुद्ध दिशे पाकिस्तान सिंध आरक्षर उच्चपदस्थ विषय पाकिस्तान आर्मी अपहरण कर पाशते एतिया जन गृहजुद्ध दिशे धावमान से पाकिस्तान घटनार सविशेष जदि एतिया पोहर अं ना जानवरा मते पाकिस्तान एक शेहतिया परिस्थिति बुझे आम चौबीस घंटा पास जा लगे जानवरा मते कल पाकिस्तान आर्मी सिंध पुलिस आईजीक अपहरण कर और पाकिस्तान पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफर जुआए केप्टेन साफदारक ग्रेप्तार कर जोर जबरदस्ती कर प्राप्त खबर अनुसरी केप्टेन साफदारर अपराध आज जिन्नार समाधिस्थल गई गणतंत्र स्लोगान दिया सिंध पुलिस शीर्ष विषयक अपहरण कर घटन अपमानित यार पाशते पुलिस शीर्ष विषयक आरम्भ कर पुलिस बाहन लोक दीर्घकालीन छुटर आवेदन कर सिंध पुलिस और पाकिस्तान अन्न्य राजनीतिक हेसा पाकिस्तान आर्मी चीफ जेनेरल कमार जावेद बाजवा समग्र घटन तदंतर निर्देश दी बाध्य हल जद विभिन्न सूत्र जानवरा अनुसरी पाकिस्तान विभिन्न स्थान बर्तमान सिंध पुलिस और पाकिस्तान आर्मी मजद संघर्ष आरम्भ से इंटरनेशनल हेराल्ड नामर बातरी संस्थाटे यह सन्दर्भ एट भिडिओ ट्वीट कर समान्तराल भावे पाकिस्तान राजनीतिक मौलाना फाजल उल रहमाने पाकिस्तान आर्मी क्रमबर्धमान हस्तक्षेप गरिहना दी एनेदरे कैसे मेरी नजर इस मौजू पे सिर्फ सिंध पर नहीं है। मैं सोचता हूं कि एक तवील अरसे से फौज ने पूरे मुल्क को कंट्रोल संभाला हुआ है। हर तहसील में एक मेजर बैठा है, हर जिले में एक कर्नल बैठा है, हर डिवीजन पर एक ब्रिगेडियर बैठा है और पूरा सूबा जो है वो चला रहे हैं। एपेक्स कमेटियां बनी हुई हैं, उनमें एक फौजी अफसर हर कीमत पर मौजूद रहता है, उसके सामने डिप्टी कमिश्नर, एसपी, डीआईजी, कमिश्नर सब बेबस नजर आते हैं। कल जो वाकया हुआ है इसने साबित किया है कि इस तरीके से इंतजामी उमूर फौज के कंट्रोल में आना, चाहे उसका नाम सिविल इंतजामिया सपोर्ट का कानून क्यों ना हो, अब ये सूरत हाल ऐसी तस्तरबाम हो गई है कि हमारे सबसे मुअज्जज़ और मुख्तरम इदारा फौज पर हर्फ आ गया है। लिहाजा मेरा मुतालबा यह है कि पूरे मुल्क के हर जिले, हर तहसील, हर डिवीजन और हर सूबे के इंतजामी उमूर से फौज दस्तरदार हो जाए और वापस चली जाए और सिविल इंतजामिया के हवाले मुल्क को किया जाए। इम्कान है कि हर जगह पर सिविल इंतजामिया का यही रद्द अमल सामने आए। इस सूरत हाल में बड़ी सराहत के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमने मुल्क को एक रखना है, अवाम और इदारों के दरमियान एतमाद रखना है, सिविल फौजी इदारों ने एक दूसरे पर एतमाद करना है, तो फौज हर जगह पर इंतजामी उमूर में अपनी बारादस्ती के ख्वाहिश को खत्म कर देगी, तब जाकर एक एतमाद का माहौल पैदा होगा। उल्लेख्य जो पाकिस्तान गणतंत्र अवक्षय और सेनार आधिपत्य कतुन कथा नह स्वाधीनतार पिछरपर देश बहुक गणतानिक सरकार सेनये भंग कर क्षमतार बगजुरी निजर हाथ आनी कि सेनार यह आधिपत्य साम्प्रतिक जी गृहजुद्ध सूचना कर फलाफल कि हम सय कब।